हिमाचल प्रदेश विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्ट दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर दृष्टिबाधित और हाथ से लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के साथ परीक्षाओं में अन्याय कर रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित 12वीं कक्षा तक की परीक्षाओं के अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा टैट में भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए राइटर संबंधी बिल्कुल अवैध नियम लागू किए गए हैं और इस मामले में भी वे हाईकोर्ट का रुख अपनाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला भी दृष्टिबाधित और हाथ से लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों के साथ लगातार अन्याय कर रहा है। बोर्ड, केंद्र सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में 1 जनवरी को गाइडलाइंस जारी की थी कि जो लोग दृष्टिबाधित हैं या हाथ से परीक्षा नहीं दे सकते हैं उनको दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2013 की गाइडलाइंस ही उन पर लागू होंगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष इलीगल गाइडलाइंस इशू करा दी जिसको लेकर के मैंने विरोध दर्ज कराया और राज्य सरकार को उसके बाद अपनी गाइडलाइंस में सुधार करना पड़ा और भारत सरकार के आदेश को उन्होंने माना। लेकिन हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड वर्ष 2019 में 1 जनवरी की जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको और यहाँ 12 अप्रैल 2021 की जो गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की उनको भी नहीं मान रहा है। 8 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। 1 क्लास जूनियर वाले राइटर की बाध्यता परीक्षार्थियों के साथ लगाई जा रही है जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक राइटर का पूल ना बना दिया जाए यानी कि राइटर जो है एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी ना प्रोवाइड करे तब तक 2013 की गाइडलाइंस लागू होंगी। उन गाइडलाइंस में लिखा है कि राइटर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन पहले से फिक्स नहीं की जाएगी यानी कि समान पढ़ा लिखा व्यक्ति या उससे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी भी दृष्टिबाधित या हाथ से लिखने में असमर्थ जो हमारे परीक्षार्थी हैं उनके लिए राइटर बन सकता है। ये आपराधिक लापरवाही और असंवेदनशीलता बहुत गंभीर मामला है और इसको लेकर के मैं हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।